कौन बनेगा करोड़पति ब्रिंग्स टू यू येट अनदर अमेजिंग प्रोमो, जहां होस्ट अमिताभ बच्चन को देखा गया अपने एग्जॉटिक स्टाइल में। इन द न्यू प्रोमो ऑफ केबीसी बिग बी को देखा हमने आश्चर्यचकित होते हुए, जब उन्होंने सुनी कंटेस्टेंट सूरज और दूसरे फाइनेंस बेस्ड कंटेस्टेंट की इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी, थोड़ा पानी पी लेता। हाँ पानी पी लीजिए। इतनी देर बैठे थे पानी नहीं पिया आपने? सर समुंदर के साइड में कुआं दिखा ना, तो इसलिए मीठा पानी पीना। मेरी तो कोई डिग्री नहीं है सर, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा था वो सिर्फ मैं खुद ही 10वीं तक पढ़ा हूँ, मैथ। तो कैसे पढ़ा लेते हैं आप? जो स्टूडेंट थे जिनको कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो वो टीचर थे, वो टीचर ने उन स्टूडेंट को कहा कि मैं एक बंदे का नाम बताता हूँ, अगर वो तैयार रहा तो वो आपको पढ़ाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा रहता है कि पुलिस और रेलवे के पीछे ज़्यादा लड़के दौड़ते हैं, और मैं उनके साथ प्रिपरेशन करते करते मेरा वो सब्जेक्ट अच्छे होते रहा। जानकारी हो गई? हाँ जानकारी होती रही। 2011 से लेके 2014 तक लगभग 45 लड़के गवर्नमेंट सर्विस में लग गए। बहुत बहुत बधाई आप। लेकिन सूरज जी, आप एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में कोचिंग क्लास भी चला रहे हैं, कैसे संभव होता है? अभी शादी हो गई तो ये समय नहीं निकाल पा रहा, लेकिन इसके लिए मैंने सर एक ऑप्शन निकाला, एक यूट्यूब चैनल निकाला। तो उसमें आप जो कुछ सिखाना होता है वो उस वीडियो में आप करते हैं? हाँ सर, अपलोड, और फिर उसे भेज देते हैं। हाँ, फिर गांव तो यूट्यूब पे आ चला गया। हाँ। तो गांव में मिल जाता है यूट्यूब उनको? हाँ सर, गांव में उतनी सुविधा है। हमने सुना है कि जब आपके पास केबीसी का कॉल आया तो आपको यकीन नहीं हुआ कि यही लोग हैं? जी सर, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक्चुअली आप ही टीवी पे कई बार बताते हैं कि केबीसी के नाम लेके कई फेक कॉल्स भी आते हैं, तो उनसे सावधान रहिएगा। तो सर अचानक से कॉल आया, मैं ऑफिस में था और कुछ पर्सनल नंबर जैसा लगा वो, तो मैंने फिर सर कंफर्म करने के लिए पूछ लिया उनसे कि आप कोई वेरिफिकेशन कीजिए कि आप केबीसी से ही बोल रहे हैं। तो तब आपको यकीन हुआ? जी सर, फिर उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जो ऑडिशन का था, तब मुझे यकीन हुआ कि केबीसी से बोल। टैक्स कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का प्राइवेट ऑफिस है, लगभग एक साल से है। बड़ा भयंकर काम होता है टैक्स वाला। जी सर बिल्कुल, है ना। कहते हैं सर जीवन में दो चीजें निश्चित हैं, एक मृत्यु दूसरे टैक्स। जी सर, मेरी इच्छा थी कि मैं सर से कुछ डायलॉग सुनूंगा। बचपन से है सर पर अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है मेरे साथ। जी अभी मूवी भी आई थी सर, मैंने तीन बार देखी थी सर वो हॉल में। भाई साहब जब तीसरी बार गए तो कौन दोस्त थे आपके साथ? नहीं सर, मेरा अलग अलग सर्किल है सर, मेरे सीए वाले दोस्त अलग है, और जो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ जैसे लाइब्रेरी जाता हूँ मैं, तो वो सर्किल अलग है। बाकी तो लाइब्रेरी वाला सर्कल है, उनमें कौन कौन है? सर सारे सब सभी भद्र पुरुष ही है सर, महिला कोई नहीं। क्या उनसे क्या आपने अलग अपने आप को जानबूझ के रखा हुआ है, ये क्या वजह क्या है? सर वजह है एक बार जोड़ा था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो बाद में। अच्छा तो हमें मालूम नहीं था कि इसके पीछे भी कोई इतिहास है आपका। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसके पीछे कोई इस तरह का इतिहास ना हुआ हो। कोई भी पुरुष अपना सर नहीं हिला रहा, सिर्फ देवियां जो हैं वही सर हिला रही, उनको पता है कि क्या होता है। है ना थोड़ा यूनिक प्रोमो? डू लेट अस नो योर व्यूज ऑन द सेम। टिल देन बने रहिए हमारे चैनल के साथ फॉर न्यूज़, गॉसिप्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स।